आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखो, जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट विल बी। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है अपन से, ऑलराइट। तो देखो, और ये बोला है कि वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो देखो, मुझे पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब ये ग्राउंड स्टेट में है तो उसके लिए एन की वैल्यू 1, एम वी आर इज इक्वल्स टू एच बाई टू पाई, वेर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ओके। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ मैं, 2 पाई आर और एम वी को नीचे ले आते हैं एच बाई एम वी। अब ये जो है अपना जो वेवलेंथ होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, उसका भी क्या होता है, अब मैं यहाँ से जो डी ब्रोगली है उसको ये लिख सकती हूँ, आर क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में क्या है, ठीक है, कौन सी ऑर्बिट में, तो ये आर का वैल्यू अपन को देखना है। देखो आर क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, किसी भी एनथ ऑर्बिट की अगर अपन बात करें, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो आर वन इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एन की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो जेड की वैल्यू भी 1 हो जाएगी अपने, ठीक है। अपना जो लैम्डा है वो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, विच इज इक्वल्स टू 3.3 एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा 3.3, डी ब्रोगली अपना आ गया 3.3 एंगस्ट्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो अपना ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।